जय हिंद। आज के स्टूडियो हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 73 को किस तरह से बनाया जाए। एक्सरसाइज 73 जो कि नरेशन का चैप्टर है, डायरेक्ट स्पीच करना है, आपका बुक है ऑक्सफोर्ड कंटिन्यूअस ग्रामर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 73 बनाने के लिए ये तो चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें कुछ चेंजें नहीं करना है, सिर्फ पर्सन चेंज करना है। जब टेंस चेंज करने के लिए आएगा ना, तब उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, वो भी बिल्कुल आसान है, आसान बनाया जाएगा उसको, अच्छे चीज़ों को हम लोग को समझेंगे। इसमें पर्सन को चेंज करना होता है, इसमें क्या रूल है कि इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। इस पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इंट्रो वीडियो, इसका इंट्रो, हमारा इंट्रो नहीं, इसका इंट्रो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इसे भी हम थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देंगे, आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ आइए शुरू करते हैं। आप लोगों का वीडियो क्लियर आ रहा है, देख ले जरा। हाँ ठीक, चलिए देखिए वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 73 बनाने के लिए जो जो चीज को हम रिपीट करते हैं थोड़ा उसको समझिए। ही सेज, ठीक है, अगर से के बाद अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा ना, तब से को बदल कर टे लिखेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, यही रूल है सर। से के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मान लिखा होता है ही सेज टू मी, ही सेज टू हर, ही सेज टू अस, ऐसा ऑब्जेक्ट रहता, अस रहता, वी रहता, राम रहता, कुछ भी रहता, मेन वर्ड के बाद जो है ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ई वर्ब है। काहे, वर्ब माने क्रिया, कैसे याद रखेगा, वर्ब मतलब क्रिया, तो जो काम करेगा वो तो बाहर रहेगा, और जो भाषण देगा वो तो कोठरिया में बंद रहेगा। तो स्पीच है, स्पीच देने वाला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और काम करने वाला जो वर्ब रहेगा वो बाहर रहेगा। याद रख, समझ में आ गया। ही सेज, अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो टेल लिखना है, हम लोग का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सिर्फ वही लिख देंगे, हो जाएगा आपका ही। से के बाद ऑब्जेक्ट भी है तो सर इन्वर्टेड कॉमा का इधर ना है, तब से का से ही लिख देना है, एस लगा हुआ है, एस लगा दिए। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट लिखते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या, डेट, ठीक है। आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, इसको तो जानवे करते होंगे, एस ओ एन सन, 1 2 3, मैंने हमला तीन को बचाने है, ये रूल है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में नो चेंज करना है। फर्स्ट सेकंड क्या होता है वो बता ही चुके हैं, पर्सन आपको पता ही होगा। आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट अनुसार चेंज, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ हो जाएगा ही। अब आई के साथ एम, तो ही के साथ इज, रीडिंग है लिखा हुआ, यहाँ लिख दीजिएगा रीडिंग। माई किससे आया है, आई से, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, तो आई से माई, तो ही से हिज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हिज, और यहाँ बुक का लिख देना है बुक। समझ में आ रहा है, फिर से समझिए। अगर सेज के बाद टेल होता, जैसे यहाँ देखिए, राम सेज टू मी, इसके बाद है ऑब्जेक्ट, यहाँ राम सेज टू मी नहीं हो जाएगा, राम टेल्स मी हो जाएगा। सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो से को बदल कर टेल लिखना है, याद रख, समझ में आ गया। यहाँ से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था तो से का से लिख दिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट लिखे। आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, होगा सब्जेक्ट अनुसार चेंज, ही है तो ही लिख दिए। अब आई के साथ एम लगा हुआ है तो ही के साथ इज लगेगा। रीडिंग का रीडिंग लिख दिया। माई जो किससे आया है, आई से आया है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही, आई का माई, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज, और बुक का बुक। अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा है कि आई का माई कैसे हो जा रहा है, ही का हिज कैसे हो जा रहा है, आप लोग को एक आपके बुक में ऑक्सफोर्ड जो करंट इंग्लिश ग्रामर है, पेज नंबर 284, मतलब 284 को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये चार्ट है, इसमें लिखा हुआ, देखिए अगर हम कोशिश करते हैं, आई से क्या हो गया है, माई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो ही से क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हो रहा है ना भाई, आई से माई, तो ही से क्या हो गया, हिज हो गया। समझ पा रहे हैं, ये चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बुक में भी होगा, ठीक है, ये समझ गए हैं वन नंबर को बिल्कुल आसानी से। आइए हम लोग आप फटाफट आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। चल देखिए सेकेंड नंबर, सी से ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, लगाना है आपको टेल, बिल्कुल नहीं लगाना है, हो जाएगा यहाँ पे सी सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए लगाते हैं डैट, सर आई, बिल्कुल आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सी है तो सी, अब आई के साथ एम तो सी के साथ इज, रीडिंग है तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, रीडिंग,
माई जो कि आई से आया है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सी है, तो क्या हो जाएगा? देखिए माई आया है आई से, ठीक है, जो कि फर्स्ट पर्सन होता है, तो सी से क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही की हर, आप यहाँ देखिए, देखिए आपको दिखा दूंगा, ही का ही तो सी का हर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए सर। आई सॉरी माई, माई किससे आया है? आई से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सी है, अब आई से माई हो गया है तो सी से क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। बिल्कुल समझ पा रहे हैं? हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? हर, यहाँ पे लिख देते, बुक को रख देते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ लिख देंगे सी इज रीडिंग हर बुक। आइए आगे बढ़ते हैं। यू से यहाँ लिख दीजिएगा यू, से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से लिख देंगे, ऑब्जेक्ट होता तो ते लिखते। कॉमा डॉट कॉमा के लिए क्या लगाना है? डेट आई जो कि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट अनुसार, यहाँ क्या है? यू, अब आई के साथ एम तो यू के साथ, और रीडिंग है तो बाबू यहाँ पे रीडिंग लिख देना है। माई किससे आया है? तो आई से, आई जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, अब आई से माई हो गया तो यू से क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। आपके चार्ट में सब लिखा हुआ है सर, याद कीजिए, योर बुक का बुक लिखा हुआ है। दे से, दे का दे लिख दिया यहाँ पे, से के बाद को ऑब्जेक्ट है ना तो से का से ही लिखना पड़ेगा। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए लिखते हैं डैट वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है, फर्स्ट पर्सन है, बाई का वी होता है प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, दे का क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे? दे ही हो जाएगा। आर का आर हो जाएगा क्योंकि दे के साथ भी आर लगता है। रीडिंग का रीडिंग हो जाएगा। अब वी से हो गया आ भर तो दे से हो जाएगा दे आर, वी से आ भर तो दे से दे आर, बुक में ऐसे यहाँ भी आपको बुक से लिख देना है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। राम सेज टू मी आई हेल्प, अब यहाँ देखिए सेज टू, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है बिल्कुल है, तो आपको लिखना है राम का राम। आप तो सर एक के नंबर से बोलते आ रहे हैं कि सेज टू को बदल के टे लिखेंगे, कब लिखेगा? तो अभी लिखेंगे। सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ लिखना है आपको टेल, से में एस लगा हुआ है तो टेल में एस, सेड लिखा गया तो टोल लिख देना है, से में आई एन जी तो टेल में आई एन जी, कोई दिक्कत नहीं है। सेड टू के बदले में लिखे मी है तो यहाँ लिख देना है मी। इस कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए लगाते हैं डेट आई जो कि फर्स्ट पर्सन है तो होगा सब्जेक्ट अनुसार से, सब्जेक्ट राम है तो यहाँ लिख दीजिएगा ही, राम में उतार देना है। अब आई के साथ हेल्प तो सी के साथ भी हेल्प, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा? एस, काहे कि क्या है सिंगुलर में है। यू है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यू, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आई सिंगुलर है, मन में तो ये क्या होगा ये बात, लेकिन आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक है। क्या गिर गया, यहाँ समझ पा रहे हैं आप लोग? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छह नंबर से, चलिए यहाँ देखते हैं छह नंबर से। आई से टू राम, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। से टू के बाद, से के बाद ऑब्जेक्ट है तो से को बदल कर टेल लिखेंगे, अगर से है तो टेल लिखिएगा, अगर सेड है तो टोल लिखना है, सेइंग है तो टेलिंग लिखना है, आई है तो आई हो जाएगा। से के बाद तो सर ऑब्जेक्ट है तो बदलिए ना, टेल लिख दीजिए, टू भी लगाना है बिल्कुल नहीं, राम है तो राम लिखिए, आई टेल राम। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए लगाएंगे डैट आई जो कि फर्स्ट पर्सन है तो होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, यहाँ भी आई है तो यहाँ भी आई हो जाएगा, हेल्प है तो हेल्प हो जाएगा, सेकंड पर्सन जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ है राम जो कि हो जाएगा ही, यहाँ क्या हो जाएगा? राम है तो राम ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या? अरे अच्छा रहे जैसे लिखा ले, आइए हम लोग देखते हैं छह नंबर क्या लिखा हुआ है। आई से टू राम, से के बाद ऑब्जेक्ट है तो से के बदल के लिखेंगे टेल, सेड है तो टोल्ड, सेइंग है तो टेलिंग लिखना है। अब यहाँ देखे ना आई का आई, से के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा? टेल, राम है तो लिखना है राम। इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के लिए लगाते हैं डैट आई जो कि फर्स्ट पर्सन द सब्जेक्ट अनुसार, आई यहाँ भी है तो हो जाएगा आई, हेल्प का हेल्प। यू जो कि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट राम, मतलब कि ऑब्जेक्ट में हो जाएगा ही, सॉरी हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिम, ही सब्जेक्ट है, ही का ही होता है प्रोनाउन, हिम ही होता है। राम सेज लगता है, यहाँ लिख दीजिएगा राम। सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हो जाएगा टेल,
टी ई डबल एल, यहाँ एस लगा लेते यहाँ भी एस हो जाएगा, लता है तो यहाँ पर लता लिख देना है, कॉमा हटे कॉमा के लिए लगाना है भैया आपको डेट आई जो कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट राम मतलब कि ही लिख देना है, आई के साथ हेल्प तो ही के साथ क्या हो जाएगा हेल्प्स जो कि ई लिखा हुआ है, ही सी इट में ऐसे ही एस लगाते हैं, यू जो कि है सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट अनुसार लता है तो हो जाएगा हर, लता सी से हर ही होता है, लता सेज टू राम यहाँ हो जाएगा लता, सेज टू जो कि इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो से टू बदल कर लिखना है टेल्स, से में एस लगा हुआ तो टेल में एस, राम का यहाँ लिखना है राम, कॉमा डॉट कॉमा के लिए लगाना है डेट आई जो कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में हो जाएगा लता है भाई तो सी हो जाएगा, ही रहे सी रहे एस तो हमको लगाने हैं, यू जो कि सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट अनुसार राम राम ही मतलब कि हिज या ही लिख सकते हो, दे से टू अस यहाँ लिख दीजिएगा, दे से टू के बाद ऑब्जेक्ट है क्या बिल्कुल है तो सब इसको बदल के क्या लिखना है टेल एस नहीं लगा हुआ है नहीं लगाएंगे एस नहीं लगाएंगे, एस का लिखना है एस, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए लगाना है डेट, वी जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दे, अरे आई का प्लूरल वी होता है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट दे है यहाँ दे लिख दिए, हेल्प लिखा हुआ तो हेल्प ही सी इतने में एस लगता है इसमें एस तो लगेगा नहीं, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार एस है तो एस हो जाएगा, ही सेज टू मी से टू के बाद ऑब्जेक्ट है लिखना है आपको ही टेल्स मी, से में एस था टेल में एस लगा दिए, कॉमा डॉट कॉमा के लिए क्या लगाना है आपको डेट आई जो कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ही है यहाँ लिख दीजिएगा ही, अब आई के साथ एम तो ही के साथ भी एम बिल्कुल नहीं, इज योर आई से योर ऐसे समझिए, योर किससे आया है यू से जो कि सेकेंड पर्सन है ना सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट में क्या है मी मी मतलब आई तो यू से योर हो गया तो आई से क्या हो जाएगा माई, ये सब बाबू इस चार्ट में लिखा हुआ है हवा हवाई कोई बात नहीं हो रहा है ठीक है, चार्ट को खोल के देखिए आप पेज नंबर 284 होगा, आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर से, चलिए देखिए 11 नंबर क्या लिखा हुआ है, दिख तो रहा है ना भाई 11 नंबर, हाँ दिख रहा है ठीक, लिखा हुआ है सी सेज टू देम आई एम योर फ्रेंड, यहाँ लिख दीजिएगा सी, सेस के बाद ऑब्जेक्ट है तो से को बदल के लिखेंगे टेल तो सर इसमें एस लगा दे, इसमें भी एस लगा दीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ देम तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे देम, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदल लिखना है आपको डेट तो यहाँ भी लिख देंगे डेट, अब देखिए तो आई जो कि फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट अनुसार आई है तो यहाँ हो जाएगा सी, अब आई के साथ एम तो सी के साथ इज, योर जो कि यू से आया है यू जो कि सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में देम है तो देम किससे हो जाएगा देयर हो जाएगा, टी एच ई आई आर यहाँ फ्रेंड है तो लिख देना है भैया आपको फ्रेंड, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो रहा है, योर किससे आया है तो यू से आया है यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है देम, देम किससे आया है दे से तो यू से योर तो दे से देयर, सब आपके जो चटवा बताए ना 284 उसमें लिखा हुआ है तो आप ध्यान से देख सकते हैं, आइए देखते हैं आई है तो लिख दीजिएगा आई, से के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ लिखेंगे टेल, इसमें एस नहीं है तो एस नहीं लगाएंगे, हर है तो यहाँ लिख दीजिएगा हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए लगाते हैं डेट आई है जो कि फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट अनुसार यहाँ भी आई तो यहाँ भी आई, एम है तो एम, योर जो कि सेकंड पर्सन है तो होगा ऑब्जेक्ट अनुसार तो हर है तो यहाँ भी हो जाएगा हर, फ्रेंड है तो यहाँ लिख देना है फ्रेंड, अब किसी को मन में दिमाग में नहीं चल रहा है सर हर है ये तो सी से आया है तो सी यहाँ सीरी सीरी लिख दीजिए, अरे भैया सी से आया है हर या इसका जैसे यू से योर हो गया तो सी से हर हो जाएगा, सी से श्री 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 नहीं लिख देना, आइए देखिए 30 नंबर मोहन तो यहाँ लिखिए मोहन, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो जाएगा टेल, से में एस है टेल में एस, गीता का गीता, इसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए लगाना है डेट आई जो कि फर्स्ट पर्सन तो सीधा सब्जेक्ट अनुसार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन ने लिख दिया भाई ही लिख दिया, आई के साथ एम तो ही के साथ ही, अब इसको ध्यान समझिए यही 13 नंबर बहुत फंसाएगा आपको, योर किससे आया है यू से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट गीता किससे आएगी सी से मतलब कि हर, सी इज हर फ्रेंड एंड यू, यू तो लिख दिए हम लेकिन यू है सेकंड पर्सन तो होगा ऑब्जेक्ट अनुसार तो गीता ने है ऑब्जेक्ट में यहां हो जाएगा सी एंड
सी। अब यू के साथ आर तो सी के साथ इज। माई मने आई, आई मने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब मोहन, मोहन मतलब ही, आई से माई तो ही से हिज, हिज फ्रेंड का फ्रेंड। फिर से समझ लीजिए ध्यान से, आई एम योर, योर किससे आया है तो यू से, जो कि सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट है उसका, तो यू से योर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, गीता से सी, यू से योर तो गीता का हर हो गया, यू लिखा हुआ है तो यहाँ गीता है मतलब सी है तो यहाँ लिख दिया सी। यू के साथ आर तो सी के साथ इज। माई मतलब आई, आई मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब मोहन है, मोहन मने ही, आई का माई तो सी का हो जाए, सॉरी ही का हो जाएगा ही, फ्रेंड का फ्रेंड, फ्रेंड का फ्रेंड आप मत लिख दिया भाई, फ्रेंड का फ्रेंड। देखिए द बॉय सेज टू मी, से लिखा हुआ है यहाँ लिखेगा द बॉय सेज टू, बदल के क्या लिखना है टेल, ऐसे नहीं लगा हुआ नहीं लगाएंगे, मी है तो मी, इस कॉमा डॉट कॉमा के लगाना है आपको डेट, वी जो कि सेकंड पर्सन नहीं है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट अनुसार यहाँ सीधे आ जाएगी द बॉय, द बॉय जैसे आई का वी प्लूरल है तो यहाँ क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा आपको दे, वी के साथ है तो दे के साथ कौन है लगता है नो टाइम, फोर यू जो कि सेकंड पर्सन है सीधा ऑब्जेक्ट अनुसार मी मतलब कि आई, यहाँ आई लिख दीजिएगा बिल्कुल नहीं, आई तो भैया प्रोनाउन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर, आइए जरा ध्यान दीजिए 15 नंबर क्या लिखा हुआ है, आई से टू देम, से टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा टेल, से को क्या लिखेंगे टेल, आई टेल देम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए लगाएंगे भैया डेट, आई जो कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट यहाँ भी आई है तो यहाँ भी आई, आई के साथ है भी लगता है लव है तो भैया लव लिख दीजिएगा, फोर का फोर, अब यहाँ बोले नहीं चैप्टर सिर्फ पर्सन को चेंज करने के लिए बोल रहा है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट तो यहाँ क्या है दे, यहाँ दे हो जाएगा दे, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम सेज टू मीना, सेज टू को बदल के टेल लिखना है, यहाँ लिखिए राम, से को बदल के टेल, एस लगा हुआ है तो एस लगाइए, मीना है तो भैया यहाँ लिख दीजिए मीना, इस कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले लगाना है आपको डेट, इज आई है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में अनुसार, राम है मतलब कि ही हो जाएगा लिखेंगे ही, हेल्प है तो लिख देना है हेल्प, यू जो कि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, मीना जहाँ हो जाएगा हर, बिकाउज का लिखना है बिकाउज, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मीना मतलब कि सी, यू के साथ हेल्प है तो सी के साथ हेल्प मतलब एस लग जाएगा, ही सी टेम एस लगाते हैं वर्ब के साथ, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, राम मतलब कि हिज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं बुझा रहा है मी मतलब क्या हो गया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट राम ही हिज, आई मी ही हिज, आगे देखिए दे लिख दीजिएगा यहाँ पे दे, से टू के बाद ऑब्जेक्ट है लिखेंगे टेल, हर का लिखेगा हर, इस कॉमा इनवर्ट कॉमा के लिए लगाना है आपको डैट, वी का लिखेंगे भैया विद, वांटेड है तो वांटेड, सॉरी वी का भी नहीं लिखेगा माफ कीजिएगा, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट दे है तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले से प्लूरल है तो दे लिखना है, हो जाएगा दे, वांटेड है लगा देना है वांटेड, टू का टू, हेल्प का हेल्प, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ हो जाएगा हर, पुनः समझे थोड़ा सा समझा देता है, वी क्या है तो पर्सन में अरे पर्सन वहाँ लिखाए हैं ना भैया आपको कहीं लिखा लो तो नहीं है, अरे यहाँ देखिए यहाँ बताए थे ना कि फर्स्ट पर्सन में आई है तो यहाँ वी, यू है तो यहाँ पे यू हो जाएगा, ही सीटने में दे हो जाता है, तो जो वी है फर्स्ट पर्सन में है लेकिन है तो प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट दे है तो दे का क्या हो जाएगा दे, तो पहले से प्लूरल है दे हो गया। देखिए टिप नंबर सी सेज टू द बॉय, यहाँ लिख दीजिएगा सी, से के बदले टेल में एस का है कि यहाँ पे द बॉयज है, सी टेल्स द बॉयज प्लीज लाइक माई टिकटॉक वीडियो। आगे देखिए इस कॉमा डॉट कॉमा के लगाना है आपको डेट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट द बॉयज के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे दे, कांट के लिए आपको लगाना है कांट डिफीट मी, जो कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अनुसार होगा, सी है तो हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा 7 क्वेश्चन रह गया 25 पढ़ने में, इस चैप्टर में 25 क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सी विल टेल मी आई एम रेडी टू हेल्प यू, हम यहाँ देखें
अब जो 19 नंबर हम देख लिए हैं ना, 19 हो गया आपका, बस दो ही क्वेश्चन है जिसमें विल लगा हुआ है, 19 और 20। इसमें 19 नंबर क्या लिखा हुआ है, सी विल टेल मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। अब यहाँ देखिए विल हम देख पा रहे हैं, 19 और 20 में क्या लिखा हुआ है, विल, जो कि सबसे अलग है, इसमें विल लग गया है। विल मतलब होता है फ्यूचर टेंस, और आपको याद रखना है अगर हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो फ्यूचर टेंस में रहे सेंटेंस या प्रेजेंट टेंस में रहे, टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। एक्सरसाइज 74 से शायद टेंस में बदलाव है, उसको देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, फ्यूचर टेंस समझ में आ, फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस का ऐसे समझिए कि फ्यूचर टेंस जैसे आप कहते हैं कि हम अपनी वाली से ब्याह करेंगे, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ब्याह करेंगे। और प्रेजेंट टेंस ये है कि हमारी वाली सबसे अलग है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, है कि नहीं, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट फ्यूचर में समझ में आ गया ना। एगो ऐसी एगो शायरी हमको थोड़ा दिमाग में आ गया तो सुना देते हैं आप लोग को, कि बाबू बाबू जग मुआ, बाबू रहा ना कोय, एक बाबू के कम से कम 35 सोना होए। ठीक है, तो इस चक्कर में रहना है, फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया है, हुआ बढ़िया समझा दिया है तुमको। आइए देखते हैं, तो यहाँ लिखना है सी, तो आपको लिखना है सी, विल तो लिखना है विल टेल मी। अब तो यहाँ पहले से क्या लिख दिया है, टेल मी लिख दिया है, तो यहाँ तो आपको समझना है, एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए कि उसमें कुछ नहीं करना है। विल टेल लिखा है तो आपको भी विल टेल लिख देना, दिखा दे रहा है बिल्कुल। यहाँ लिखा हुआ है सी विल टेल, यहाँ लिख देना है सी विल टेल, मी लिखा हुआ है लिख देना है मी, इसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, डेट आई जो कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अनुसार क्या हो जाएगा, सी आई के साथ एम तो सी के साथ, यानी कि विल सेल घुसाने लगना है उसमें, आई के साथ एम तो सी के साथ ही लग गया। रेडी है तो लिखना है रेडी, टू का टू, हेल्प का हेल्प, यू जो कि सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट अनुसार यहाँ हो जाएगा आपका मी। आइए देखते हैं सी, बस यही दो क्वेश्चन है विल वाला, कुछ नहीं है, सी का सी विल है तो विल लिखेंगे, कुछ बदलने नहीं है हमको। टेल है टेल लिख देंगे, कोई चेंजे नहीं करना है। द गर्ल्स है तो बिल्कुल द गर्ल्स लिख देंगे भाई, हमको क्या दिक्कत है। कॉमन वर्ड कॉमन लगाना है, डेट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार हो जाना है यहाँ पे, सी आई के साथ है तो सी के साथ हो जाएगा, हैज ऑलवेज है तो लिख देना है भैया आपको ऑलवेज, सपोर्टेड क्या लिख दीजिएगा, सपोर्टेड, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है द गर्ल्स मतलब कि देम। ठीक है, सी का सी विल का विल टेल का टेल द गर्ल्स का द गर्ल्स कॉमा कॉमा के लिए, डेट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सी है तो सी आई के साथ है तो सी के साथ हैज ऑलवेज ऑलवेज सपोर्टेड सपोर्टेड, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट द गर्ल्स मतलब कि देम हो जाएगा, प्लूरल में है। ही का लिखना है ही, हैज है तो भैया आपको लगाना है हैज, सेड है तो लिखना है सेल्ड बिल्कुल नहीं, टोल्ड क्या लिख देंगे टोल्ड, देम है यहाँ लिख देना है देम, इस कॉमन डॉट कॉमन लगाना है आपको, डेट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार तो ही हो जाएगा, आई के साथ डोंट तो ही के साथ हो जाएगा डी ओ ई एस डजंट, क्या है केयर है तो यहाँ हो जाएगा आपको केयर, फोर का हो जाएगा फोर, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो देम है तो भैया यहाँ लिख देना है देम। चलिए आगे बढ़ते हैं, दे है तो दे लिख दीजिए, से के टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो से को डाल के लिखना है टेल, यहाँ हो जाएगा टेल, मी का लिखना है मी, इस कॉमा डॉट कॉमा के लगाना है डेट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, मी मतलब कि आई, यू मस्ट है तो इस सब में साथ लगता है यहाँ लिख देना है मस्ट, ओबे अस, अस सेकंड पर्सन और प्लूरल में है, सेकंड पर्सन क्या है मी। अब यहाँ देखिए बिल्कुल ना समझिए, वी किससे आया है, मतलब ये जो एस लिखा हुआ है किससे आया है तो वी से आया है, वी है किसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है दे, दे का क्या हो जाएगा देम, वी मस्ट ओबे देम, समझ पा रहे हैं चीजों को बिल्कुल। आइए हम लोग देखते हैं 23 24 और लास्ट 25, 23 नंबर, आई से टू देम यू मस्ट ओबे अस, हमको सिर्फ आई लिखना है, से टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखना है टेल, देम है तो भैया यहाँ लिख देना है देम,
कॉमा डेट कॉमा के लगाना है आपको डेट यू जो कि सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट दे मतलब कि हो जाएगा भैया यहाँ पे दे, मस्ट तो मोडाल्स है तो मस्ट मस्ट लिख दीजिएगा, ओवे का यहाँ लिखना है ओवे, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, मी आई से मी आया ना फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, यहाँ पे क्या हो जाएगा मी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इधर 24 और 25 हमने समझ में नहीं आया है, लिखा ले रनेश सॉरी माफ कीजिएगा गणेश सेज टू रीना आई नीड योर, मतलब गणेश जो है रीना से कहता है कि हमको तुम्हारा पेन का जरूरत है, बकलोलिया रीना, रीना सेज टू गणेश आई नीड योर पेन, अभी बकलोली बोलती है गणेश को कि हमको तुम्हारा पेन का जरूरत है, तो दोनों अपने में कपार फोड़ न ले, पहले देख ले किकरा पेन की जरूरत है, इससे बोल रहा है कलम का जरूरत, इसको बोल रहा है कलम का जरूरत, कोई सेंटेंस ही नहीं है, ऑक्सफोर्ड के बाद आपको सेंटेंस नहीं रह गया। देखिए ये गणेश का लिखना है आपको गणेश, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो लिखना है टेल, से में एस तो टेल में एस, रीना का लिख देना बाबू यहाँ पे रीना, इसे कॉमा डॉट कॉमा के लगाना है डेट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट गणेश है मतलब कि ही, आई के साथ नीड तो ही के साथ नीड्स, योर मतलब कि यू मतलब सेकंड मतलब रीना मतलब हीज हीज करता है हीज हीज करता, देखिए कैसे हो गया हीज, योर किसका रूप है यू का, यू किसे चेंज होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट में रीना है मतलब कि सी, अब यू से जब योर हो गया है तो सी से क्या होगा हर हो जाएगा, आइए देखिए आइए अभी अब बहलिया बोली है तो लिखिए, रीना का लिखना है रीना, सेज टू को बदल के लिखना है टेल में एस, गणेश है इसीलिए यहाँ लिख दीजिएगा गणेश, इस कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लगाना है डेट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार तो हो जाएगा सी, यहाँ आई के साथ नीड है तो सी के साथ नीड्स, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, यू से योर आया है तो ही से क्या आ जाएगा हिज पेन का पेन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो सब पसंद आ रहा होगा या आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो से अगर कुछ सीखे ओके हैं तो थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 73 के बाद तो 74 जल्दी आने ही वाला है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।